क्लास सिक्स बैच के लिए आपको यहाँ पे क्लास कराया जाता है, ठीक है। स्वागत है आपके अपने चैनल बोलू हो गया में। देखिए डेली आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बेसिक से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे स्कूल चलिए, ठीक है। और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, गुणा का मतलब क्या होता है, जोड़ का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब क्या होता है, सब आपको समझाया जाएगा, ठीक है। जुड़े रहिए और देखिए, और पेन कॉपी लगा लिखिए और लिखिए, कॉपी पे लिखिए, इसको नोट्स बनाइए, ठीक है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे पढ़ा कैसे जाता है मैथ को, ठीक है। देखिए बच्चों क्या है कि मैंने कहा 50 रुपया, क्या 50 है, ठीक है, 50 प्लस 50, तो आपने क्या कहा 50 प्लस 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 50 प्लस 50 करेंगे क्या होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 50 माइनस 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। 50 माइनस 50 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एकदम बेसिक से ले चले, एकदम बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर उसको धीरे 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 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ कि अब जो है कॉन्सेप्ट आएगा क्या कि माइनस पचास अब क्या होगा, देखिए इसमें 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 तीनों में जमीन आसमान का फर्क है, सीधा जोड़ दिए, ठीक है। मतलब क्या कि 50 रुपया है और 50 रुपया और आ गया तो कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। 50 रुपया था, 50 रुपया खा गए, कितना बचा, 0 रुपया बचा, ठीक है। और 50 रुपया था ही नहीं, 50 रुपया पहले से बकाया है, क्या है, माइनस का मतलब क्या हो गया, ऋण बकाया, ठीक है, निगेटिव में है, ठीक है, पहले से निगेटिव में है। फिर कह के अरे और 50 रुपये के दे दीजिए, फिर निगेटिव में चले गए तो क्या हुआ, माइनस है। तो माइनस जब बार बार निगेटिव में जाएंगे, किसी दुकान पे आप चॉकलेट खरीदने जाएंगे, कहेंगे 50 रुपये के चॉकलेट दे दीजिए अंकल जी, वो कहेंगे ठीक है ले लो, पापा से पैसा ले लीजिएगा, ठीक है ले लेंगे, वो कहा कि ठीक है। फिर आपने अगले दिन गए, फिर कहे 50 रुपये का और दे दीजिए, तो बताइए कितना बकाया हो गया, तो पहले तो माइनस हो गया, कितना हो गया, 100 रुपया, ठीक है, आया समझ में। तो माइनस का मतलब समझिए क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है और जो संख्या है बढ़ जाती है, कर्जा और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ कि माइनस पचास, ठीक, और प्लस 40, माइनस 50 और प्लस 40, ये क्या कह रहा है कि अंकल जी क्या किए कि 50 रुपये बकाया तुमको दे दिए, क्या किए 50 रुपये बकाया दे दिए, उसके बाद से तुमने क्या किया कि ढेर से रहेगा 40 रुपये दे दिया, 40 रुपये रखिए, तब कितना बकाया हुआ तुम्हारा, बकाया हुआ ना जी, 50 रुपये बकाया था, 40 रुपये तुमने जमा किया तो क्या हो गया, 10 रुपये बकाया हो गया, यानी कि -10। देखिए माइनस का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कैसे होता क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए कहेंगे ठीक है सर, फिर 50 रुपये तुम लेकर गए, ठीक, उसके बाद से सामान कितना खरीदे, 40 रुपये का, तो क्या हो गया, देखिए 50 रुपये है तुम्हारे पास, 50 रुपये है और 40 रुपये का चॉकलेट ले लिए तो कितना बचा, 10 रुपये बचा प्लस में, क्यों, क्योंकि 50 रुपये था ना जी आपके पास, अधिक है 50 रुपया, ठीक, और 40 रुपये का लिए है तो भाई आप तो पॉजिटिव में है, 10 रुपये लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ क्या किए, 10 रुपया बकाया लगा के आ गए, क्योंकि आप 50 रुपये का सामान ले लिए और 40 रुपये लेकर घर से गए थे, ठीक है, तो क्या किए वहाँ पे जमा किए कितना, 10 रुपया आपका जो है बकाया रह गया, ठीक है। तो इसको आप लिखिए और देखिए आपका कहाँ लॉजिक गलत होगा, ठीक है, उसके बाद से आप उसको सही करिए, क्लियर है, उस हम आपका सहायता करेंगे इसमें कोई परेशानी होगा तो, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं गुणा करूँगा, इसी चीज़ को गुणा करूँगा, गुणा में क्या होगा, ठीक है, ये तो था जोड़, और जोड़ का एक दो सवाल देख लीजिए, बड़ा बड़ा थोड़ा सा, जैसे कि क्या किया गया, 20 माइनस 20 प्लस 60 माइनस 100, ये है। अब ऐसे सवाल दे देगा, कहेगा कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो क्या करेंगे, ऐसे सोचिए कि ठीक है गए दुकान पे चॉकलेट खरीदने गए, 20 रुपये जमा किए और 20 रुपये बकाया लगा दिए, तो 20 रुपये जमा किए, 20 रुपये बकाया लगा दिए, 0 रुपया हो गया यहाँ पे, फिर गए 60 रुपये लेकर, फिर गए 60 रुपये लेकर और क्या किए, 100 रुपये का सामान ले लिए, यानी कि -40 रुपया बकाया रह गया। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आप सिस्टमेटिक ढंग से करिए, चाहे कैसे भी करिए, इसको समझिए हो क्या रहा है, ठीक है, क्या हो गया ये 0 और -40 आंसर हो गया, कैसे आया आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए ऐसे कितना भी बढ़ा दे, 2 दे दे, प्लस 2
टू दे दे, प्लस टू दे दे, माइनस टू दे दे, माइनस टू दे दे। अब क्या करेंगे, दो रुपये चार, छः, छः में से दो गया, सिंपल, छः में से दो गया चार, फिर चार में से दो गया दो, प्लस में दो, ठीक है। अब इसी को आपको समझना है, ठीक है, कैसे हो रहा है, ठीक है, इसको बारीकी से समझिए, ठीक है, और अपने से क्वेश्चन करिए, अब दे रहे हैं होमवर्क, उसको करना है आपको, ठीक है। लीजिए, लिखिए, ये आपको करना है और भेजना है। एट फाइव माइनस थ्री सिक्स माइनस ट्वेंटी नाइन सिक्स माइनस टू हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड थ्री हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस सेवन हंड्रेड, यहाँ माइनस कर लीजिए। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको लगाना है, ठीक है, अपने मन से, ठीक है। अब आते हैं मल्टीपल पर, किस पे, गुणा पर, देखते हैं गुणा में क्या होता है, ठीक है। इस सवाल को लगाना है और इस माइनस और प्लस कॉन्सेप्ट को समझना है कि माइनस का माइनस में गुणा होता है तो क्या होता है, और माइनस का प्लस में गुणा होता है तो क्या होता है, और प्लस का प्लस में गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस का माइनस में गुणा होता है तो क्या होता है, ठीक है दोस्तों। इसको समझते हैं कैसे होता है, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। दो दुना के चार, यानी कि प्लस चार आंसर, ठीक है। प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए, बात वही है, लगा देंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा, माइनस और प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस, दो दुना के चार। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, दो दुना के, यानी कि टू टू जा फोर। ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो भी क्या होगा, माइनस होगा, माइनस फोर, ठीक है। तो यानी कि हम देखे कि ये ऐसे हो गया, अब इसको मैं जोड़ रहा था तो माइनस ही क्यों आ रहा था, देखिए अब मैंने कहा कि माइनस टू है और माइनस टू है, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। इसी पे लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, आप भी गड़बड़ाए होंगे सवाल में, ठीक है। माइनस का माइनस में जब गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस और माइनस जोड़ते हैं तो माइनस चार होता है, क्यों, क्योंकि माइनस बकाया लगाए फिर माइनस कर दिए तो माइनस ही में ना रहेंगे, तो माइनस चार हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या था, माइनस टू और प्लस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टू प्लस टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और टू और माइनस टू बराबर जीरो हो जाएगा। देखिए इसमें इसमें कंपेयर करिए कि हो क्या रहा है, जब तक कंपेयर करके नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज होते रहेंगे, जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगा प्लस माइनस का, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इसको कंपेयर करिए, इससे इससे कैसे कैसे हो रहा है, और इस पे सवाल दे रहे हैं उसको लगाइए और खूब प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, ये होमवर्क है, इसको करिए आप, सेवन इंटू माइनस फोर माइनस एट इंटू पहला, दूसरा माइनस फोर्टीन माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस सिक्सटीन माइनस थर्टी इंटू फोर, ठीक है। इसको लगाइए, ठीक है, और देखिए क्या होता है, ठीक है, समझिए अच्छा से और लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, माइनस फोर इंटू माइनस टू प्लस सिक्स प्लस टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो आपने अभी रूल बताएंगे बोडोमास का, ठीक है, पहले आप समझिए क्या हो रहा है, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर और माइनस टू क्या होगा, माइनस फोर और माइनस टू का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, चार दुना के आठ, फोर टू जा एट, माइनस माइनस प्लस, अभी आपको पीछे बताया है माइनस में माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, अब प्लस छः दो आठ, यानी कि आठ आठ सोलह आंसर हो गया, ठीक है। देखिए और इस पे सवाल क्या आते हैं, माइनस टू इंटू माइनस सिक्स इंटू माइनस फोर, ऐसे ब्रेकेट में है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, देखिए ये होगा माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस का गुणा जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि आंसर तो माइनस में आएगा, क्लियर है, ठीक है, आंसर तो माइनस में आएगा, क्लियर है, लेकिन कितना माइनस में आएगा ये देखिए, छः दुना के बारह, यानी सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व और फोर से गुणा करके आएगा फोर्टी एट,
क्या हो जाएगा, 48 आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि क्या हो रहा है, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 दुना के 12, 12 चौको 48, सिंपल मल्टीप्लाई है। ठीक है, आप इसको कर लेंगे, जैसे मान लीजिए ये दे दिए 2 × 4 × 6, तो क्या करते, 4 दुना के 8, 8 चौके 48, 48 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। लेकिन इसी में क्या किया कि माइनस प्लस का खेला कर दिया, तो आपने क्या किया, गलत कर दिया, कहाँ पे माइनस लगेगा कहाँ पे प्लस लगेगा इसी पे डाउट में है। ठीक है, इस डाउट को आज क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे दे देगा −6 × −4 × −2 × 0। ठीक है, अब देखिए, अब जीरो का महत्व तो देखिए क्या है, किसी भी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। किसी भी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करें, वो संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसमें कोई डाउट होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी संख्या क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, कहीं ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इन्हें कि लगाने लगे 24 24 28 करने लगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, सवाल को देखिए और रूल को समझिए। रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, क्लियर। अब देखिए, अब इस सवाल को और अच्छे से समझा जाए, मान लीजिए ऐसे देखिए −6 −4 × −2 −10 दे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कहेंगे सर जी हयो जीरो है कर देंगे, जीरो हो जाएगा, नहीं, वो 10 है, क्या है, 10 है, जीरो नहीं है, 10 है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, सिंपली गुणा करेंगे, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस, यानी कि यहाँ पे जब ध्यान देंगे तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, प्लस का माइनस में गुणा होता है तो माइनस, माइनस का माइनस फिर गुणा होगा तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 24 × 24 = 48 प्लस में क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक है, देखिए सवाल को क्या करना है, आसानी से समझना है, समझ के क्या करना है, पढ़ना है, तभी नवोदय निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। जब तक कि आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं कि प्लस माइनस का क्या होता है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या करिए, आप इसको समझिए और समझ के पढ़िए और लिखिए, जब तक लिखेंगे नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, क्लियर है। लिखिए और उसको सोचिए थोड़ा सा कि हो क्या रहा है, समय दीजिए सोचने में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। जैसे कि डिवाइड सिंपल ही होता है कि अगर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 कट गया। ठीक है, अब ये जो जीरो है ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया तो कैसे आ गया, अब देखिए मैंने आपको दिया था ये डिवाइड, ठीक है, डिवाइड है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, समझिए हो क्या रहा है। ये जो है पॉइंट वाला डिवाइड सीखिए, ठीक है, ये तो सिंपल डिवाइड था, कर दिए। इस डिवाइड को कैसे करेंगे, देखिए 8 × 64 कट गया, 8 × 8 कट गया, अब कितना उतरा, 4 उतरा। ठीक है, देखिए पॉइंट तभी लगता है जब रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर है नहीं है, जब रिमाइंडर नहीं है तो यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा, तो क्या होगा, 0 0 8 जा 0। अब जाके रिमाइंडर हुआ, क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ, शेष आया, अब इस शेष पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, अब जाके क्या होगा, 8 × 5 यहाँ 0 आ जाएगा, 8 × 5 = 40, अब जाके आपका भाग सही हुआ, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को समझिए, आया कहाँ से है, क्लियर। ठीक है, ये डिवाइड का भाग आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए, अब इसी सवाल में, इसी प्रकार सवाल में क्या होता है कि दे देता है सब 20 × 5 − 2 / 1। ठीक है, ऐसे दे दिया, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या करना होता है कि समझना होता है, कैसे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइड कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 ही तो होगा, तो 20 × 5 − 2। अब देखिए ये जो डिवाइड है, पहले डिवाइड करते हैं, कौन सा रूल है, बॉर्डोमास, क्या है, बॉर्डोमास है, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो आइए डिवीजन को पहले करते हैं, क्या आप सिस्टम से सही है, उस पहले ऑफ बाद में समझा जाएगा, ब्रैकेट बाद में समझा जाएगा, पहले क्या समझिए, डिवीजन,
पहले क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है, जो संख्या दी हुई है उसमें डिवाइड देखेंगे कहाँ पे है, डिवाइड देखेंगे कहाँ पे है, उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसको कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं? डिवीजन। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीपल, मल्टीपल। इसको कहते हैं एडिशन, एड। इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आप समझिए क्या हो रहा है। हुआ क्या कि इस क्वेश्चन को देखा गया, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखा गया तो बेसिक रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड करिए, ब्रैकेट ऑफ किया जाएगा, लेकिन आपको इसमें क्या है, डिवाइड है, तो सबसे पहले किसको करिए, डिवाइड को करिए। डिवीजन करेंगे टू को वन से, ठीक है, तो क्या होगा, टू वन जाए, मैंने टू वन का पहाड़ टू बार पढ़ेंगे तो टू बार में आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका आंसर टू हो गया। ठीक है, इतना का आंसर क्या हो गया, टू हो गया। इसका मतलब क्या होता है, टू डिवाइड बाई वन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, टू डिवाइड बाई वन का मतलब क्या होता है कि टू को वन से डिवाइड करने पे क्या होगा, आंसर कितना आएगा, टू आएगा। ठीक है, वही बात है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टू, यानी कि क्या आ गया, 20 × 5 - 2। ठीक है, अब क्या नंबर आता है, डिवीजन के बाद मल्टीपल, गुणा करना है। अब गुणा कैसे करेंगे, ये गुणा यहाँ पे गुणा है, ये तो गुणा है नहीं, 5 × 10, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया और एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 20 × 5 = 100, अब -2। अब क्या करें, 100 में से 2 जाएगा, एडिशन करना है, एडिशन तो है नहीं इसमें, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 100 में से 2 गया 98, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये समझ में आया होगा आपको, आधे ही समझ में आया तो फिर रिपीट करिए वीडियो को, फिर देखिए, फिर समझ में आएगा। देखिए जितना बार देखेंगे उतना बार आपको समझ में आएगा, जितना बार पढ़ेंगे उतना बार आपको समझ में आएगा। इसीलिए कहा जाता है एक किताब पढ़ो 100 बार, ना कि 100 किताब पढ़ो, क्लियर है, एक किताब को जब 100 बार पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करिए, बार बार समझिए हो क्या रहा है, उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 40 + 60 × 20 / 2 - 50। क्लियर है, ऐसे सवाल दिया हुआ है, 40 + 60 × 20 / 2, फिर माइनस है 50 का, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिवाइड को देखेंगे, 20 / 2, अब इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन क्या है, डिवीजन, क्योंकि ऑफ और ब्रैकेट का कोई अभी चर्चा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डिवीजन क्या करेंगे, इसको डिवीजन कैसे करेंगे, देखिए 20 को 2 से डिवीजन करेंगे, 20 को 2 से डिवीजन करेंगे क्या आएगा, 2 × 2 यानी कि 10 आएगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे 20 को, कितना आएगा, 10 आएगा, तो इसके जगह पे 10 लिख देंगे, 40 + 60, अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 10, अब -50। देखिए डिवाइड हट गया, डिवाइड हट गया, अब नंबर आता है किसका, मल्टीपल का, यानी कि गुणा का, तो यहाँ पे क्या है, गुणा है, इसको कर दीजिए 40 + 600 - 50। ठीक है, अब नंबर आता है एडिशन का, कितना, ऐड, ऐड करने का, तो ऐड वाला कहाँ है, यहाँ पे है, इसको ऐड कर दीजिए, 640 - 50। अब नंबर आता है लास्ट में सब्ट्रैक्ट का, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, 640 में से 50 जाएगा तो क्या होगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, 590 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए समझिए और कीजिए, इस पर मैं होमवर्क दे देता हूँ, 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको लगाइए और उसका फोटो खींच के भेजिए व्हाट्सअप पे, ठीक है, और समझिए कि कैसे लग रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस पे 5 क्वेश्चन दे देते हैं, उसको लगाइए, बोर्डो मास के रूल पे लगाइए, बेसिक रूल है वो, उसको समझिए और लगाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है, 300 × 5 - 2 + 100 / 4। दूसरा क्वेश्चन है, 150 × 20 / 2 - उसके बाद से 100। तीसरा क्वेश्चन है, 200 / 4 × 50 + 60 - 200।
ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 600 डिवाइड बाई 6 इंटू 50 + 20 - 200। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको लगाना है। ठीक है, ये चार क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा। ठीक है, और लगा के देखिएगा कि क्या हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। ये बेसिक है, अगर इस समझ में नहीं आया तो इसको बार बार रिपीट करिए, वीडियो को बार बार देखिए, उसके बाद से क्या करिए, इसको लगाइए। इसको लगा लेंगे तो समझिए आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नवोदय का क्लास का जो बुक है उसका सोल्यूशन किया जाएगा, पहले बेसिक बढ़िया किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए 2/5 + 6/8 ऐसे है, इसको ऐड करना है। ठीक है, ठीक, ऐड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम क्या होता है समझिए, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे, 5 और 8 का एलसीएम नहीं आता है तो सीख लीजिए, 8 है, किसे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 के पहाड़ा में तो 5 आता नहीं है, 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, तो जो नहीं आता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ आता है, कितने बार में आता है, 2 2 जा 2 4 जा 8, यानी कि 4 बार में आता है। ठीक है, फिर इसको करेंगे, अब बताइए फिर 5 आ गया, ये तो आएगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 4 आता है 2 के टेबल में, जी हाँ आता है, 2 2 जा 4, यानी कि 2 हो गया। उसके बाद फिर चेक करिए, फिर करेंगे, 2 दिखा तो फिर 2 ले लिए, फिर 5 आता है, नहीं आता है, तो 5 को 5 ही रहने दीजिए, ये हो गया 1 हो गया, फिर 5 1 आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम उसे कहते हैं जो लेंगे एलसीएम वो तीनों अंक से कटना चाहिए, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे 4 अंक हो, चारों से कटना चाहिए, 2 है तो दोनों से कटना चाहिए, यानी कि जो संख्या ये होगी वो 5 और 8 दोनों से डिविजिबल होगी, उसी को क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। देखिए ध्यान से, 5 दुना के 10, 10 दुना के 20, 20 दुना के 40, ये जो 40 आया है एलसीएम, ये जो 40 एलसीएम आया है, ये 5 के भी टेबल में है और 8 के भी टेबल में, और कोई संख्या रहता है तो उसके भी टेबल में रहता है, उसी को एलसीएम कहते हैं। एलसीएम का मतलब यही हुआ कि जो संख्या है उस संख्या से कट जाए, उस संख्या से कट जाए, उसको क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ले लिए, 5 चौको 5 8 40, या 8 हो गया, और जो संख्या आएगा उससे क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे, क्लियर। देखिए एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आएगा उससे डिवाइड करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है 5 से, तो 8 आ जाएगा, 8 2 जा कर देंगे, और फिर जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 6 जा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 8 2 जा 16 हो गया, अब प्लस 6 5 जा 30 और डिवाइड बाई 40, ये आपका कितना आंसर हो गया, 6 हो गया, और 3 1 4 डिवाइड बाई 40, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये हो गया आपका जोड़ने का तरीका, क्या है गा? जोड़ने का तरीका हो गया। ठीक है, अब इसी में 3 अंक दे देता है, 3 अंक को दे देगा, कैसे जोड़ेंगे देखिए, जैसे दे देगा 1/2 + 6/8 + 2/4, ऐसे दे दिया। अब 3 अंक है तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 8 4। अब देखिए फिर एक बार देखिए एलसीएम लेते कैसे हैं, ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो समझिए, ठीक है, 2 8 और 4 इसका एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए अब 2 के टेबल में देखिए क्या क्या आता है, 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 2 1 जा 2 एक बार में आता है, लिख दीजिए एक। अब देखिए 8 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 3 6, उसके बाद से 2 4 जा 8, यानी कि 4 बार में आता है, 4 लिख दीजिए। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 बार में आता है, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए इसको फिर क्या करिए, 2 से ले जाइए तो 1, 4 कितना बार में, 2 बार में, 1 2 बार में जाएगा, 1 1 1, देखिए एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या आई हुई है 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये तीनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तीनों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसका एलसीएम क्या हो गया, 8 हो गया। इसमें भी क्या किए थे, गुणा किए थे, 5 दुना के 10 10 दुना के 20 20 दुना के 40, तो 40 लिख दिए थे, उसी प्रकार इसमें भी गुणा कर देंगे, 2 दुना के 4 4 दुना के 8, 8 क्या हो गया आपका, एलसीएम हो गया। अब इस 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, इस 8 को डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो 8 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
फोर हो जाएगा प्लस, जब आठ को डिवाइड आठ से करेंगे तो क्या होगा, एक होगा, एट वन जा एक, एट वन जा एट, ठीक है, तो एक ही बार में आ गया। तो जो एक आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे वन से, ठीक है, इसको ही मल्टीप्लाई किए थे वन से, तो वन से कर दिए। उसके बाद से यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा, टू का मल्टीप्लाई टू से कर देंगे, तो ये फोर वन जा फोर हो गया था, ठीक है, और सिक्स वन जा सिक्स हो जाएगा, और टू टू जा फोर हो जाएगा, और डिवाइड बाई एट हो जाएगा, छः चार दस, और दस चार चौदह, चौदह बटे आठ, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए चार रहे पाँच रहे कैसा भी एडिशन है आपको करना है, माइनस रहे तो माइनस कर देना है। आइए माइनस का एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए। वन बाई फोर माइनस वन बाई सिक्स प्लस टू बाई एट, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस है, पहली बात तो घबराना नहीं है, पहली बात तो घबराना नहीं, माइनस से कोई मतलब नहीं है, देखिए क्या होगा, ठीक है, माइनस का तो माइनस कर देंगे, सिंपल। सबसे पहले फोर सिक्स एट का एलसीएम लेंगे, फोर सिक्स एट का, जब फोर सिक्स एट का एलसीएम लेंगे तो टू बार से, बार बार सोच रहे हैं कि टू ही बार से कहाँ ले जा रहे हैं, थ्री बार से कहाँ नहीं ले जा रहे हैं। देखिए प्राइम नंबर आपको पढ़ाया जाएगा, अभाज्य संख्या, ठीक है, जो प्राइम नंबर होता है टू होता है, प्राइम नंबर से ही फैक्टर किया जाता है, क्या किया जाता है, प्राइम नंबर से ही फैक्टर किया जाता है, आपको समझाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पूरा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है, कहाँ पे प्राइम नंबर होता है, कहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, कहाँ पे होल नंबर होता है, ठीक है, टोटल क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये क्या करेंगे, टू टू जा फोर, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, फिर करेंगे वन, थ्री तो आता नहीं है टू के टेबल में, तो सिंपल लिख देंगे उसको वैसे ही, अब थ्री बार में वन वन वन, यानी तीन दुना के छः, छः दुना के बारह, बारह दुना के चौबीस, इसका एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। अब क्या प्रोसेस क्या है, इस 24 को 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब फिर माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस था तो प्लस, इसीलिए समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 4, तो 1 और 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 प्लस 3 के 6 और 24, ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक, 6 6 12, 12 में से 4 गया 8 कर दीजिए, ठीक है, 8 8 बटे 24 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, चाहे 8 3 के 24 1 बटे 3 भी हो जाएगा, लेकिन आपको इतना अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पर होमवर्क देते हैं, आप करिए, ठीक है, होमवर्क इस पर लिख लीजिए, दो तीन लिख लीजिए ताकि करते रहिए, समझ में आएगा। पहला क्या है, 2 बटे 3 माइनस 6 बटे 8 प्लस 7 बटे 2। दूसरा क्या है, 3 बटे 8 प्लस 6 बटे 3 प्लस 2 बटे 9। तीसरा क्या है, 4 बटे 7 माइनस 7 बटे 8 प्लस 5 बटे 6। एक और ले लीजिए, 6 बाई 8 माइनस 2 बाई 5, ठीक है। इसको लगाइएगा चारों को, 1 2 3 4, उसके बाद क्या करिएगा, इसको समझिएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, इतना का नोट्स बनाइए, ठीक है, और फॉरवर्ड करिए, और कोशिश करिए कि इससे जो है बार बार डेली इसको देखिए, डेली आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और जो डाउट होगा उसको आप पूछेंगे, क्लियर है, धन्यवाद।